हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार सफल कदम उठा रही है, जिसका असर अब जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे कि रासायनिक खेती का त्याग कर किसान प्राकृतिक खेती को अपना सके। इस खास रिपोर्ट में आप देखें। हरियाणा में रासायनिक खेती का त्याग कर किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। इससे न केवल खेतों की उर्वरा शक्ति मजबूत हो रही है, बल्कि फसलों की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही किसानों की आय में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। हरियाणा के किसान किस तरह से प्राकृतिक खेती अपना कर आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं, इसके लिए सरकार लगातार गाँव-गाँव में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करा रही है, जहाँ किसानों को प्राकृतिक खेती के फायदों के बारे में अवगत कराया जा रहा है और किसान रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं। और ऐसा ही एक प्रशिक्षण शिविर कृषि और कल्याण विभाग की ओर से पलवल में आयोजित किया गया, जहां किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें प्रेरित किया गया। किसानों को बताया कि आप प्राकृतिक खेती और जैविक खेती कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि देश में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा मिले, क्योंकि हमने देखा है कि समय के साथ साथ जो रसायनों के जो दुष्परिणाम आए हमारी मिट्टी पे, हमारी फसलों पे, हमारे वातावरण पे, हमारे स्वास्थ्य पे, उसको कम करने के लिए हम कैसे जैविक हो या प्राकृतिक हो, कैसे किसान उसको अपना सकते हैं। हमने किसानों को बताया कि उसके क्या आपको लाभ होंगे, जीवामृत की, जैसे आज के समय में हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि जीवामृत में किसानों को क्या है, बाहर से कुछ नहीं डालना, वो सब अपने खेत पे कर सकते हैं। इसके अलावा हमने किसानों को बताया कि जो किसान जब जैविक खेती करेंगे या प्राकृतिक खेती करेंगे उनसे उनको क्या फायदा होगा और कैसे वो उसको अडॉप्ट करें, कैसे उसको अपनाएं, जीवामृत कैसे बनाएं। अभी हम एक बना के भी दिखाएंगे किसानों को कि जीवामृत किसान अपने खेत में कैसे तैयार कर पाएंगे। प्रशिक्षण शिविर में किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में बताया गया, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा और किसानों ने भी इस बात को स्वीकारा और सरकार के प्रयास की सराहना की। जो जानकार हैं हमारे बीच में आ जाए हैं कृषि महकमे की तरफ से, और वो हमें इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि हमें रसायन को छोड़ के, कीटनाशकों को छोड़ के, और किस तरह से हम अपनी खेती को सुधार सकते हैं। खाद को लेकर किस तरह की बात की गई, प्राकृतिक खेती में किस तरह के खाद का उपयोग किया जाए? खाद के लिए वो गाय रख के और उससे गोबर से और मूत्र से उन्होंने खाद बनाने की विधि जो हमें बता रहे हैं, और एक गाय से भी कई एकड़ खेती में हम खेती कर सकते हैं। कौन कौन लोग यहाँ पहुँचे हैं, कौन कौन लोग यहाँ आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं? यहाँ पे हमारे पलवल के जो विशेषज्ञ हैं वो तो हैं ही, और जो यहाँ पे हापुड़ से उनके कृषि मंत्रालय से भी कुछ विशेषज्ञ आए हैं, वो हमें इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरह के सेमिनार से किसान को किस तरह से फ़ायदा होगा और लोगों को किस तरह से फ़ायदा होगा? जी, मैं समझता हूँ कि रसायनों का जो नुकसान आज देखने को मिल रहा है मनुष्यों के ऊपर और सभी प्रकृति के ऊपर भी, पर्यावरण के ऊपर भी। बीते लंबे समय से प्राकृतिक खेती कर रहे पलवल के किसान अदर सिंह ने बताया कि प्राकृतिक खेती के जरिए आज हम बीमारियों से बच सकते हैं। इसके लिए किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर होना चाहिए। विशेषकर प्राकृतिक खेती के ऊपर है, और इस बारे में हमारा ये विचार है कि जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं, आज खान पान जो दूषित हो गया है, और ये केवल समाधान एक ही है कि हम वो प्राकृतिक खेती अपनाएं, जिसमें प्रशिक्षण जो हमारा कीटनाशक दवाइयां हैं, रासायनिक खाद, इसका इस्तेमाल शून्य हो जाए। और ये संभव है, और मेरी ये दिल से इच्छा है और दिमाग से, दिल से, दोनों से, और मैं कर भी रहा हूँ। मेरा 11 बीघे में बाग लगाया हुआ है, जिसमें 500 पौधे हैं मेरे पास, और मैं इसी तर्ज पर खेती कर रहा हूँ। उसमें मुझे सबसे ज़्यादा फायदा मल्चिंग प्रणाली से हुआ है, जिसमें आच्छादन होता है, हम जो खरपतवार होता है ना अपना खेत का, तो उस खरपतवार को हम केवल सुनियोजित करते हैं, उसको बाहर नहीं फेंकते। घास है या कोई भी खरपतवार का जो पौधा है, उसको हम निकाल के उस पेड़ पौधों में ही लगा देते हैं, और उससे क्या होता है कि नमी बनी रहती है, केंचुआ भी जो है ना उसमें सक्रिय रहता है।
तो वो हमें जो है ना उसकी जरूरत ही नहीं रासायनिक खाद की। रासायनिक खेती छोड़कर किसान अब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं और कृषि क्षेत्र में हरियाणा सरकार के इस कदम की खूब तारीफ भी हो रही है। जनता टीवी के लिए पलवल से भगत तेवतिया की रिपोर्ट।